वाली वीडियो में आपने मुझसे पूछा था कि हम किस तरह की ड्रेसेस पर कैसी सैंडल्स पहने, कैसे शूज का यूज करें, तो चलिए आपकी इसी प्रॉब्लम्स को मैं आज सॉल्व करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स क्या होती है फर्स्ट आपके साथ। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग बाहर मार्केट में जाते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल शॉप्स पर जाते हैं तो ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम्स नहीं आती। आपको विंडोज़ पर वो तरह तरह के सैंडल्स लगाकर आपको दिखा देते हैं, ठीक है, तो आप बता देते हैं कि हाँ हमें ये वाली सैंडल्स पसंद है, या फिर आप कहते हैं आप दिखाइए आपके पास क्या न्यू सैंडल्स के वेरिएशन आए हैं, तो आप वो वाले वेरिएशन ले लेते हैं, ट्रायल कर लेते हैं। पर जब आप बड़ी सिटीज़ वगैरह में जाते हैं या किसी मॉल्स वगैरह में या कोई बहुत अच्छी जगह पर जाते हैं और आपने एक जगह सैंडल्स देखी, आपको बहुत पसंद आई, आप वो लेना चाहते हैं, पर आपको ये नहीं पता कि मैं उस जगह जा रही हूँ पर उन सैंडल्स का नाम क्या है, मैं क्या कहकर बोलूँ। आप यदि ऐसा बोलेंगे मुझे सैंडल्स चाहिए और इस टाइप की देखी थी कि स्ट्राइप्स लगी थी और उसमें ये डिज़ाइन थे, तो ऐसे वहाँ लेना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, उन सैंडल्स के नाम आपको पता होने चाहिए। तो देखिए, मैं आपकी ये प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करूंगी कि आपको कौन सी ड्रेस पर कौन से सैंडल्स पहनने चाहिए, पर इसके साथ वीडियो के मिड में मैंने आपके लिए कुछ सैंडल्स के नाम रखे हैं, तो वो आपके लिए कुछ बोनस टिप्स हैं, ठीक है, तो आप उनको देखिए। उससे क्या होगा कि आप कहीं पे भी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर आपको कोई नए तरह की सैंडल्स लेनी है तो आपको उनके नाम पता होंगे, जिससे आपको थोड़ा सा एम्बेरसिंग फील नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि आपको कौन से ड्रेसेस पर कैसे वाले सैंडल्स का यूज करना है। तो चलिए, माय नेम इज चारू एंड आई एम वाइफ ऑफ अमेजिंग हस्बैंड, मदर ऑफ टू स्वीट चिल्ड्रन, आई एम पार्ट टाइम क्रिएटिव होम मेकर एंड फुल टाइम फैशन स्टूडेंट। शाइन लाइफ विद चारू में आप सभी का स्वागत है। के लिए हर ड्रेसेस पर अलग अलग सैंडल्स व शूज अपनी वार्डरोब में कलेक्शन कर पाना पॉसिबल नहीं होता। यदि आप भी ज़्यादा परचेज नहीं कर सकते हैं तो भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप भी कूल और स्टाइलिश देख सकते हैं। अपनी वार्डरोब में ब्लैक कलर और म्यूट कलर दोनों का ही कलेक्शन जरूर रखें, ये दोनों ही कलर काफ़ी सेफ होते हैं। आपको अपनी वार्डरोब में देखना है कि आपके पास ब्लैक कलर के कलेक्शन या हम कह सकते हैं कि डार्क कलर की ड्रेसेस यदि ज़्यादा हैं तो आपको एक ब्लैक कलर की सैंडल्स जरूर कैरी करनी चाहिए अपनी वार्डरोब में। यदि आपकी वार्डरोब में लाइट कलर की ड्रेसेस का कलेक्शन ज़्यादा है तो आपको म्यूट कलर की सैंडल्स का यूज़ करना है। पर आपको यूज़ करने से पहले क्या ध्यान में रखना है कि आपके जो ड्रेसेस है उसमें आपको मर्ज करना है। यदि म्यूट कलर उसमें मर्ज हो रहा है, अच्छा लग रहा है लुकिंग वाइज, तो आपको उसे यूज़ करना है। उसके अलावा आप लाइट कलर के सैंडल्स भी कैरी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टाइल पंप हील। ये पंप हील आप इंडियन वेस्टर्न आउटफिट में कैरी कर सकते हैं क्योंकि उसमें ये काफी क्लासी लगती है। सेकेंड स्टाइल स्लिप ऑन हील्स। इसे आप सूट, साड़ीज या फिर किसी पूजा फंक्शंस में कैरी कर सकते हैं और ये पहनने पर आपको काफ़ी कंफर्ट भी रहती है। थर्ड स्टाइल स्लिंग बैग। ये आपको फॉर्मल इवेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहती है। उसके अलावा आप इसे ऑफिस वेयर या मीटिंग के लिए भी काफ़ी कंफर्ट रहती है, इसलिए आपको एक इसे भी कैरी करना चाहिए अपनी वार्डरोब में। फोर्थ स्टाइल फ्लैट्स। फ्रेंड्स, फ्लैट्स आपको एक तो कैरी जरूर करनी चाहिए क्योंकि जब आप मार्केट वगैरह जाते हैं या फिर इंडियन ड्रेसेस पहनते हैं तो उसमें आपको फ्लैट्स काफ़ी कंफर्ट रहती है और इसमें आपको कोल्हापुरी भी स्टाइल मिल जाती है और भी कई स्टाइल्स एक से एक आजकल मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको एक ये स्टाइल भी कैरी करना चाहिए। फिफ्थ स्टाइल जुतियाँ। जुतियाँ ये आजकल मार्केट में कई तरह की अवेलेबल है, ये आपको ब्रोकेट में या एम्ब्रॉयडरीड में या फिर घुंघरुओं में और कई वेरिएशन में अवेलेबल है और ये इंडियन वेयर चाहे कोई भी हो, ट्रेडिशनल या फिर वेस्टर्न भी, उसमें भी आप कैरी कर सकते हैं। ये सभी स्टाइल्स में काफ़ी अच्छा और यूनिक डिज़ाइन लगता है। बोनस टिप्स। सबसे फर्स्ट कैटेगरी हम जो स्टार्ट करेंगे वह है फ्लैट्स। सबसे फर्स्ट
लोफर। नेक्स्ट है मैरिजिन, ये स्कूल के यूज में आती है और इसमें हिल्स वगैरह में भी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है बैलरीनास, ये काफी कंफर्टेबल एंड फ्लेक्सिबल शूज है। नेक्स्ट है ग्लैडिएटर्स, ये हाई स्ट्रिप्स एंड हील्स में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है मोकसिंस, जनरली इसके फ्रंट पोर्शन पर एम्ब्रॉयडरी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट स्लिंग बैग्स, ये फ्लैट और हील्स दोनों में ही अवेलेबल है। नेक्स्ट क्लॉग्स, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप्स, ये काफी कंफर्टेबल है। नेक्स्ट मोजड़ीज। इसके बाद हम जो नेक्स्ट कैटेगरी डिस्कस करेंगे वह है हील्स। फर्स्ट किटन हील्स, नंबर टू स्टिलेटोस, नंबर थ्री स्कार्पेंस, नेक्स्ट किलर हील्स, नेक्स्ट एंकल स्ट्रैप, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म हील्स, नेक्स्ट वेजेस। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसके अलावा भी यदि आपको कोई भी और मेरे से हेल्प की ज़रूरत हो या आपको कोई भी और न्यू वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। ओके बाय।